आज हम बनाएंगे हैदराबादी मटन कोरमा। घर पर ही बहुत आसानी से बनने वाला। इसके लिए मैंने 700 ग्राम मटन लिया है, जिसको मैंने धोकर रख लिया है एक बाउल में। अब मैं इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर पिसा, 2 चम्मच नमक स्वादानुसार मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच गरम मसाला। दो चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें, जो मैंने घर पर ही बनाया है। अब मैं इसमें दही डालूंगी 4 चम्मच। अब मैं इसको हाथ से मिला रही हूँ ताकि सारे मसाले और दही मटन में अच्छे से मिक्स हो जाए। सारा एक समान हो गया है, दही मसालों में अच्छे से मिल गई है। अब मुझे 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रखना है। मैंने 3 मीडियम प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। मुझे प्याज को डीप फ्राई करना है। जितनी मेरे तेल में आएगी मैं एक बार में उतनी प्याज डाल दूंगी, जो अच्छे से फ्राई हो सके। मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि प्याज धीमे से अच्छे से सिक सके। मुझे इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूंगी ताकि वो जले नहीं। अब धीरे धीरे प्याज ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। अब तो प्याज हल्के हल्के से ब्राउन होने शुरू हो गई है। अब मैं इसको लगातार चलाती रहूंगी ताकि ये हर तरफ से एक जैसी हो जाए। मुझे इसको बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, नहीं तो इसमें जले हुए की खुशबू आ जाएगी। मैं इसको लगातार चलाते हुए हर तरफ से एक जैसा कर लूंगी। आपको लग रहा होगा थोड़ी सी प्याज इसमें वाइट है, लेकिन जब तक मैं इसको निकालूंगी तब तक वो सारी ब्राउन हो जाएगी। अब मेरी प्याज भुन चुकी है, मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। एक साइड में करके तेल जो प्याज में एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। इसी तरीके से मेरी जो बची हुई प्याज है मैं उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। जैसे मैंने पहले किया है उसी तरीके से। अब मेरी जो मैंने प्याज भुनी है उसको मैं मिक्सी में डालकर 2 चम्मच पानी डालकर उसका पेस्ट बना लूंगी। हाँ, मेरा पेस्ट बन गया।
दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को गैस पर गर्म किया है। अब उसमें मैं 4 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। घी को मेरे को हल्का सा गर्म होने देना है ताकि जो मैं इसमें खड़े मसाले डालूंगी वो 1 मिनट में फ्राई हो जाए। इसके लिए मैंने 3 बड़ी इलायचियाँ, 8-10 लौंगे, तेज पत्ते, 5-7 हरी इलायचियाँ और 8-10 काली मिर्च के दाने लिए हैं। अब मैं एक एक करके सारे मसाले घी में डाल रही हूँ। इसको मुझे एक मिनट तक भूनना है ताकि मसाले घी में अपनी खुशबू छोड़ दें। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डालूंगी। उसको भी मुझे 1 मिनट तक भूनना है ताकि वो भी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसको थोड़ा थोड़ा चलाती रहूंगी ताकि वो नीचे लगे नहीं। अब 1 मिनट हो गया है, मेरा ये पेस्ट भी इसमें भुन गया है तेल घी के अंदर। अब मैंने जो मटन रखा था मसालों में और दही में मिक्स करके, अब मैं वो डाल रही हूँ। मुझे मटन डाल के थोड़ी देर तक इसको घी में ऐसे ही भूनना है। थोड़ा सा मैं इसको चला देती हूँ ताकि वो घी में एकदम से मिक्स हो जाए। अब मैं 10 मिनट के लिए इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी। अब मैं 10 मिनट बाद इसको देखती हूँ। दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, अब मुझे उसी पानी के अंदर इसको भूनना है। अब इसमें काफ़ी पानी है इसलिए मैं इसको दोबारा 10 मिनट के लिए फिर रख दूंगी। 10 मिनट बाद मैं फिर इसको देख रही हूँ। अब ये अच्छे से भुन रही है, पानी भी इसमें काफ़ी कम हो गया है। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको फिर ढक कर रख रही हूँ। 5 मिनट बाद मैं इसको फिर चलाकर देख रही हूँ। पानी जो थोड़ा बहुत था वो भी अब बहुत कम हो गया है और मीट भी अच्छे से भुन गई है। अब मैंने जो प्याज मिक्सी में ग्राइंड की थी बिल्कुल बारीक, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लिया था जो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ ताकि जो प्याज है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और जो मेरा मटन अभी तक गला नहीं है वो भी गल जाएगा। अब मुझे इसको आधे घंटे तक रखना है गैस पर और हर 5-10 मिनट बाद मैं इसको देखती रहूँगी ताकि वो नीचे से जले नहीं। और मुझे देखना भी है कि मेरी ग्रेवी कितनी थिक हुई है और मेरी सब्जी अभी गली है या नहीं। मटन को भी देखती रहूँगी मैं बीच में। 10 मिनट बाद मैं फिर देखती हूँ। वैसे तो हड्डियाँ मीट से अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं लेकिन अभी भी थोड़ी सी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी है जो करनी है मुझे अभी। एक पीस को मैं प्लेट में निकाल कर चेक कर रही हूँ अभी गला है या नहीं। मेरी मटन पूरी तरीके से गल गया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और मैं 10 मिनट बाद इसको फिट देख रही हूँ। मेरा हैदराबादी मटन कोरमा एकदम से बनकर तैयार हो गया है।
इसके अंदर घी पूरा ऊपर आ चुका है और ग्रेवी एकदम से गाढ़ी हो गई है, जो अब मैंने बाउल में निकाल लिया है उसको। देखिए देखने में भी कितना लजीज लग रहा है, तो खाने में कितना बढ़िया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।